अगर आप मोटो व्लॉगिंग या फिर ट्रैवल व्लॉगिंग करने वाले हैं तो आपके पास एक्शन कैमरा होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप जो है अलग अलग मोमेंट को आप वीडियो और पिक्चर में कैप्चर कर सके। वैसे दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे रेप्यूटेड ब्रांड है जैसे गोप्रो या फिर DJI ओस्मो, इनके जो सो एक्शन कैमरा काफ़ी लोग जो है पसंद करते हैं, लेकिन इनका जो प्राइस है करीब आपको 25-26 हज़ार के ऊपर में ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका बजट दोस्तों मान लीजिए 10 हज़ार के अंदर तक का, यानी 5-6 हज़ार का है, तो आप क्या करें, तो आपको मैं आज ऐसे कुछ बजट रेंज के एक्शन कैमरे के बारे में बताने वाला हूं, जिसको बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल Altech247। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो नीचे देखकर सब्सक्राइब बटन पर पहले क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, ताकि हर दिन जो हम टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नई वीडियो लेकर आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे 5 बेस्ट बजट रेंज के एक्शन कैमरे के बारे में, जो बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन अमेज़न के थ्रू आप खरीद सकते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर का जो एक्शन कैमरा जो निकल के आता है वो केसन ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नाम है वो है CN10। और इस एक्शन कैमरे की दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 4K HD अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन मिलता है, जिसको आप 60 फ्रेम बीट पर सेकंड के साथ यहाँ पर आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगे कि इस एक्शन कैमरे में आपको जो इमेज सेंसर मिलता है वो है सोनी IMX 386 का, तो आपको पिक्चर और वीडियो की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आपको इस कैमरे में मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो व्यूविंग एंगल जो दोस्तों वहाँ पर आपको 170 डिग्री का मिलता है, यानी कि काफ़ी वाइड व्यूविंग एंगल आपको यहाँ पर पिक्चर और वीडियो आप कैप्चर कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 20 मेगापिक्सल का जो है आपको कैमरा देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन के बारे में बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन, इसको 60 फ्रेम बिट और 30 फ्रेम बिट आप दोनों में आप कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको HD रेजोल्यूशन का भी आपको ये फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप जो है 120 फ्रेम बिट पर सेकेंड या 160 फ्रेम बिट पर सेकेंड या 30 फ्रेम बिट पर सेकेंड के साथ आप यहाँ पर इमेज और वीडियो कैप्चर आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस कैमरे में एक और अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आपको जो है डुअल आपको जो है यहाँ पर बैटरी मिलता है, यानी कि इस कैमरे के साथ जो आपको दो कंपनी जो दो बैटरी दे रही है, जिसकी काफ़ी अच्छी पावर भी आपको मिलती है, यानी कि आपको 1350 mAh का आपको यहाँ पर पावर कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा इस बैटरी में, जो कि अगर आप एक बार मान लीजिए फुल चार्ज करके इस बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं आपके इस एक्शन कैमरे में, तो करीब आपको जो है 2.5-3 घंटे जो है नॉन स्टॉप वो चलने वाला है। और आपको टोटल आप ले लीजिए कि दोनों बैटरी का कैपेसिटी जैसे कि मान लीजिए 3-3 घंटे का, तो 6 घंटे जो है दोस्तों आप बिना चार्ज किए जो है आप यूज कर सकते हैं इस एक्शन कैमरे को। साथ ही इस कैमरे में आपको एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको दोस्तों वीडियो स्टेबिलाइजेशन करने का भी काफी अच्छा आपको फीचर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस कैमरे में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाला है और इंक्लूडेड क्या क्या है जब आप खरीदते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको मिल जाता है एक एक्सटर्नल माइक और दो बैटरी आपको मिलता है, यानी कि एक बैटरी तो इनबिल्ड है, इसके अलावा दोस्तों एक बैटरी आपको और एडिशनल यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको रिमोट भी मिलता है इस एक्शन कैमरे में। और इसके साथ जो एडिशनल जो एक्सेसरीज चाहिए, यानी कि वॉल माउंट करने के लिए या फिर आपको जो है किसी भी तरीके का हेलमेट माउंट करने के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये कुछ 7,800 की कीमत में आपको ये देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर आपका बजट जो है 6-6.5 हज़ार का है, तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि 500-700 रुपये आप लगा के आप ये कैनन C10 खरीदें, कि एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ जो सेंसर है वो मुझे मिलता है सोनी IMX का, जिससे कारण मुझे पिक्चर और वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी इस कैमरे में मुझे मिलेगी। तो 10,000 रुपए की कीमत के अंदर दोस्तों ये काफी मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 का ही बजट है, तो बाकी जो मैं आपको कैमरा बता रहा हूं, तो हो सकता है आपके लिए वो सब सारे कैमरा आपके लिए बेस्ट होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा एफोर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए 1,000-2,000 रुपए और आप एक्स्ट्रा एफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए कैनन C11 मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। अब चौथे नंबर का एक्शन कैमरा जो निकल के आता है वो है SJ कैम ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नाम है वो है C100। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये कैमरा जो है काफी मुझे यूनिक लगा, क्योंकि यहां पर मुझे मिलता है इनबिल्ट मैग्नेटिक बॉडी। साथ ही यहाँ पर मैं इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोड में जो है मैं वीडियो और पिक्चर मैं कैप्चर कर सकता हूँ इस कैमरे से। और इसकी अगर फीचर के बारे में बात करूँ बाकी, तो यहाँ पर आप जो है HD रेजोल्यूशन वाला पिक्चर वीडियो कैप्चर कर सकते हैं 30 फ्रेम बिट पर सेकंड के साथ। साथ ही दोस्तों एक आपको वाटरप्रूफ यहाँ पर आपको एक्शन कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 30 मीटर तक आप इसको वाटर लेवल तक आप जा सकते हैं इसको लेके। और इसको एक बार अगर आप फुल चार्ज करते हैं, तो आप 2.5-3 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्शन कैमरे के साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। पहला, इसमें आपको वाटरप्रूफ केस मिलेगा, दूसरा USB केबल मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर माउंट करने के लिए 3-4 यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा।
और इसके अलावा इस एक्शन कैमरे की कीमत के बारे में बात करें तो ये कुछ 5,600 की कीमत में आपको ये अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। और जैसे भी देखो मैं आपको सारे कैमरा मैं बारे में बता रहा हूँ, सभी का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो अगर आपको कोई मान लीजिए पसंद आता है तो डायरेक्टली जाके आप अमेजोन में आप चेक कर सकते हैं। और ये था दोस्तों हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे SJ Cam C100। अब तीसरे नंबर का जो एक्शन कैमरा जो निकल के आता है वो है Campark X20C। और इस एक्शन कैमरे की दोस्तों खास बात यह है कि यहां पर आपको मिल जाता है 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन, साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का आपको यहां पर कैमरा आपको मिलता है। और साथ ही दोस्तों यहां पर आपको EIS स्टेबिलाइजेशन वाला आपको टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बाकी फीचर के बारे में, तो यहां पर आपको दो आपको बैटरी आपको मिलता है इस एक्शन कैमरे के साथ, और एक बैटरी का दोस्तों आपको कंप्लीटली बैकअप जो है फुल चार्ज करेंगे तो 2.5-3 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर जो आपको वाटरप्रूफ मिलता है वो है 40 मीटर का, जैसे बाकी जो हमने जो एक्शन कैमरा देखा उसमें हमने 30 मीटर का वाटरप्रूफ देखा, और ये जो दोस्तों एक्शन कैमरा है इसको 40 मीटर के वाटर लेवल तक आप डेप्थ तक आप लेके जा सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको जो है 32 GB का मेमोरी कार्ड भी इस एक्शन कैमरे के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस एक्शन कैमरे में जो है आपको किस तरीके का जो है आपको एडिशनल और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो पहला दोस्तों इस एक्शन कैमरे में जो है आपको रिमोट मिलने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों एक वाटरप्रूफ केस, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एडिशनल यहाँ पर आपको बैटरी आपको इस कैमरे में देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है माउंट करने के लिए भी जो है आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। और Campark X20C जो है ये एक्शन कैमरा दोस्तों इसका भी प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, यानी कि आपको 6,000-7,000 के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी प्राइस जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आप देखेंगे इसका प्राइस जो है कुछ 7,500 का होगा तो कभी 6,500 का, लेकिन आप जो अगर इसको फेस्टिवल सीजन मान लीजिए अगर आप खरीदते हैं या फिर अमेजोन कोई सेल में खरीदते हैं तो आपको थोड़ा एक अच्छा प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है इसका प्राइस है कुछ 7,999 रुपये। लेकिन दोस्तों इस कैमरे का भी काफ़ी लोगों ने जो अच्छा रिव्यू भी दिया हुआ है, और अगर आपका बजट मान लीजिए 6,500-7,800 का है तो आप इस Campark X20C को आप चेक कर सकते हैं। और ये था दोस्तों हमारे लिस्ट पे तीसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर का जो एक्शन कैमरा निकल के आता है वो है SJ Cam ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है वो है SJ 4000। और इस एक्शन कैमरे में दोस्तों आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का फुल HD रेजोल्यूशन वाला फीचर, साथ ही यहाँ पर आपको 170 डिग्री का जो है वाइड एंगल का आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है आप यहाँ पर वीडियो बड़े एंगल में आप कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 30 मीटर का वाटर प्रूफ आपको फीचर मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो आप इमेज जो कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वो है 60 FPS के साथ। और इसके अलावा ये आपको वाईफाई कैमरा मिल जाता है, वैसे जितने भी मैं आपको कैप्शन कैमरा अभी तक मैंने बताया सभी में आपको वाईफाई और USB और HDMI का आपको फीचर मिलता है, वो मैं पिछले जितने भी एक्शन कैमरे बताना भूल गया, लेकिन सारे में जो दोस्तों पिछले जो मैंने आपको 3 बताया है उस सारे में आपको जो है वाईफाई और आपको जो है HDMI का जो ऑप्शन आपको मिलता है, साथ ही USB का भी ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इस एक्शन कैमरे के बारे में अगर इसकी मैं प्राइस बात करूं तो SJ Cam SJ 4000 का इसका जो कीमत है वो है 5,999 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों इस कैमरे के साथ साथ आपको इसमें जो है इसकी जो एक्सेसरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें वाटरप्रूफ कवर मिलता है, माउंट करने का आपको सारा जो एक्सेसरीज जो चाहिए वो सारे आपको यहाँ पर इस कैमरे में आपको देखने को मिलेगा। और अभी ये था दोस्तों हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पे। और पहले नंबर का जो दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा निकल के आता है वो काफ़ी यूनिक है, जिसका जो ब्रांड का जो नाम है वो है प्रोकस वाइपर। और ये दोस्तों एक्शन कैमरा को काफ़ी लोगों ने पसंद किया हुआ है जिनका बजट जो है 5-6 हज़ार का है। और इसकी पहले ही हम बात करें कि इसकी वीडियो क्लैरिटी के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर 4K HD रेजोल्यूशन वाला हमें ये एक एक्शन कैमरा मिलता है, यानी कि 4K वीडियो आप इसमें निकाल सकते हैं, साथ ही आपको ये वाटरप्रूफ भी आपको एक्शन कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाईफाई का भी आपको फीचर इस एक्शन कैमरे में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस एक्शन कैमरे जो है आपको 30 मीटर का जैसे मैंने आपको बताया वाटरप्रूफ का मिलता है फीचर, तो इस कैमरे के साथ आपको कंपनी ने जो है वो आपको वाटरप्रूफ केस भी देती है। और इस एक्शन कैमरे की जो बैटरी बैकअप है वो है 1050 mAh की, और अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको जो है 2.5-3 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो है 4,699 रुपये। तो अगर आपका बजट मान लीजिए 4,500-5,000 का है तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने दोस्तों आपको जैसे सारे अलग अलग बजट सेगमेंट में मैंने बताया कि कौन सा बेस्ट एक्शन कैमरा है, जैसे सारे मैंने जितने भी आपको पाँचों बताए जितने भी आपको एक्शन कैमरा आज मैंने बताए तो ये अपने अपने बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ अच्छी जो है पिक्चर और वीडियो की क्लैरिटी वाले जो सारे एक्शन कैमरा है। वैसे आपको कौन सा पसंद आया दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए, एक्शन कैमरे के बारे में डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए, तो वो भी मेरे से आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये सारे एक्शन कैमरे का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो अगर आपको कोई पसंद आता है तो डायरेक्टली आप अमेजोन में भी जाके आप डायरेक्टली आप पूरा चेक कर सकते हैं इसका सारा स्पेसिफिकेशन। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को आखिरी तक बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।